साथियों माताएं बहनों, हेलीगर बस्ती की समाज आपको सामने हमारे कलाकार वही नवजीवन क्रांतिकारी खेल अल्हार उदल किला सोरी की लड़ाई गुम्मा भाग झगड़ू भाग या झगड़ू भाग काट मार एक्शन भरपूर के साथ आपको नगर बस्ती में इस मैच पर आपको सामने देखेंगे। हे नगर बस्ती की समाज, हम लोग कोई बड़े कलाकार नहीं है, एक छोटे कलाकार है। अगर हमारी बुखार बिंदु से अगर कोई टूटी हो जाए बालक समझ कर क्षमा कीजिएगा। हे नगर बस्ती की समाज, जिस मार्ग के उपलक्ष्य में हमारी राम नारायण यादव की पार्टी आपको नगर बस्ती में उपस्थित है, उस मार्ग की नाम पर एक से एक बार जोर से नारा हो जाना चाहिए। इसलिए कि हमारी राम गोपालपुर नगर बस्ती में जितना पाप कंट्रोल हो सब दूर हो जाना चाहिए। तारी की आवाज सुनकर गली हो पछोरा में हो जितना पाप हो, मां की नाम सुनकर स्वयं पाप दूर हो जाएगा। एक बार स्वयं अपने अपने हाथ उठा दीजिए मां दुर्गा के नाम पर, ताकि इस बालक की भी वोल्टेज आ जाए। सभी आदमी उठाइए मां दुर्गा के नाम पर, मत कोई, सभी आदमी उठाइए। में फिर में थोड़ा ध्यान देना मां, या बालक राम गोपालपुर में दिया है मां।
मैंने आज इतना खार सपना देखा कि आज तक मैंने कभी रात कंजर सपना नहीं देखा। मैंने सपना तो देखा रात कंजर सूती फैब्रिक की अवसर पर मैंने मेला लगाया, देश देश का छतरी की बुलाया और देश देश का छतरानी की बुलाया। इस मेला में जितना छतरी हो और छतरानी हो अपने अपने भाग अजमाश करने के लिए स्वयं रात कलिंजर आए, लेकिन पगला सेनापति लगता है राजा परवर सिंह की 1200 काई को स्वयं पानी पिलाने के लिए चले गए। सेनापति तुम बंगला छोड़कर कहाँ चला गया? महाराज, आपको इतना कारवार भारी है रात कालिंदर में 1200 गाय को चराना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। हाँ, तुरंत में आया हूँ आपका बात। क्या? गाय को पानी पिलाने के लिए बंगला छोड़कर चला गया? जी हाँ जी। सेनापति, हाँ महाराज, एक सवाल करूँ? सेनापति, मैंने पत्थर से इतना प्रभाव हो गया, लेकिन मैंने रात कलिंदर आज तक सपना राजा परवर अपनी पलक पर नहीं देखा। सपना देखे है, इतना सुंदर सपना देखा। मैंने सोचा कि आज स्वयं सुप्त दीपावली की अवसर पर मैं मेला लगाया, मेला लगाने की बात मैंने टूबी लगाया, टूबी लगाकर 51 किला की छतरी और छतरानी को मैंने बुलाया अपनी रात के लिए, ताकि जितना छतरी हो अपने अपने भाग अजमाश करने के लिए मैंने बुलाया। जैसे मैंने निंद्रा टूटा वैसे मैंने अचानक चारों तरफ ताकने लगा कि यह परवर स्वयं सपना देखा। आपको मालूम होगा महाराज हर कुछ हो सकता है, सपना देखे है सपना झूठा होता है। नहीं नहीं सेनापति, राजा परवर सिंह की सपना आज तक कभी झूठा नहीं हुआ, नहीं हो सकता है। लेकिन इस मेला में रंडी मंगाते रिक्त रंडी मंगाओ कहीं जा रंडी लाना। सेनापति जी हाँ जूस तक जाना चाहिए। सेनापति भाई
राज के अंदर मेला लगाने के लिए की बार बार निकले साला। जी हजूर धोखा हो गया हजूर। ऐसा बोलो मैं रख दिया। कान खोल कर सुनो, मैं जैसा बोलेगा वैसा बोलना। देशवासियों कान खोल कर सुन लो, राज कलिंदर की राजा परवर सिंह सोम दीपावली की अवसर पर मेला लगाने जा रहा है। जितना इक्यावनों की आदमी छत्री हो और छत्रानी हो, स्वयं अपनी अपनी भाग अजमाइश करने के लिए राज कलिंदर स्वयं दुर्गा पर आना चाहिए। उस मेला में दुर्गा पैसा भी होगा सेनापति, हमने बताना होगा। सेनापति जी, तुम पथभर से राज कलिंदर नौकरी करते आ रहा है। सेनापति या चमार का धंधा नहीं है, या भगवान का हर साथी और हर चाचा और हर भैया बजाता है। सेनापति आज राजा परवर की इतना दिल खुश हुआ कि आज तक राजा परवर की आज तक दिल नहीं खुश हुआ। सेनापति चारों तरफ रावटी लगा दो, बड़े बड़े रावटी गिरा दो चारों तरफ, चप्पा कल से लेकर मोटर तक बैठा दो, ताकि हमारी मेला देखने वाले प्रजा को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चार कथा में की 10 कथा में रावटी गिरवा देंगे, जेल जेल पर चप्पा कल धसवा देंगे। अलग अलग होना चाहिए, जेंट्स का अलग और लेडीज का अलग रावटी होना चाहिए। जब तक राजा परवल स्वयं राज के अंदर बैठ कर विचारेंगे, सोचेंगे आज के आठम मेला हमारी कैसा धूमधाम की साथ लग रहा है। परपल रचाल को ड्यूटी करना, ताकि मेला में हल्ला नहीं होना चाहिए। मैंने तो एक बार भूल गया। क्या चीज भूल गया हजूर? इस समय पेट का रुदल बहुत छोटा था। उस समय मैंने राज कलिंदर पोषपाल की जवाब किया, लेकिन आज मैं बेटा रुदल की मैंने भूल गया। सेनापति खत लेकर आओ,
स्वयं राजा परवल अपने हाथों से खत लिखकर तुम अपने हाथों से लेकर राजमहल पर जाना। बेटा रुद्र की हाथों में देखकर स्वयं बेटा रुद्र को खबर कर देना कि बेटा रुद्र मैंने कौनो किला में खत लिख कर भेज दिया, लेकिन बेटा रुद्र की मैंने भूल गया। मैं जा रहा हूँ सर, राज कलिंजर बैठ कर विचारेंगे बेटा रुद्र कब आएंगे।
रिक्शा भी चला राज कलिमर मेरा वाहन चाले ना चाह रहे उस समय में भी